हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। हम लेसन पहले से ही पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी देखने वाले हैं एक्सरसाइज। अगर आपने लेसन को स्टडी नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले लेसन स्टडी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेसन स्टडी करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स का, जॉइंट ऑफ द बोन हेल्प इन द डैश ऑफ बॉडी। तो जॉइंट्स किस में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट्स में, तो इसके अंदर हम फिल करेंगे मूवमेंट्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज फ्रॉम द डैश ऑफ बॉडी। तो बोन और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बिल्कुल स्केलेटन। तो बोन और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन मिलकर ही बनाता है हमारा स्केलेटन। द बोन एट द एल्बो आर जॉइंट बाय, हमारी एल्बो यानी कोहनी, कोहनी की बोन हमारी कौन से जॉइंट से जॉइंट होती है? हिंज जॉइंट, जैसा कि दरवाजा जुड़ा होता है हिंज जॉइंट से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल द बोन ड्यूरिंग, लेसन में पढ़ाया था मैंने, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो बोन होती है पुल अप होती है, ये पुल खींची जाती है, तो इसमें हम भरेंगे मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू और फॉल्स फिल करना है हमें सेंटेंसेस में। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम, क्या हर एनिमल की मूवमेंट और लोकोमोशन सेम होता है? जी नहीं, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे थे जो हमने लेसन पढ़ा था उसके लास्ट में, सबका मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन, क्या कार्टिलेज बोन से हार्ड होता है? जी नहीं, कार्टिलेज तो बोन से बहुत सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम, सी द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट, क्या आपकी फिंगर की बोन में जॉइंट है? मेरी फिंगर की बोन में तो है, तो इसका आंसर मेरी तरफ से तो फॉल्स है। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, फोर आर्म में टू बोन होती है। जी बिल्कुल ट्रू, हमारे आर्म में टू बोन्स होती हैं। तो कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, जी हाँ, ये तो हमने लेसन में देखा था, कॉकरोच की मूवमेंट या लोकोमोशन जब हम पढ़ रहे थे तो कॉकरोच में आउटर स्केलेटन या एक्सोस्केलेटन होता है। वेरी गुड बच्चों, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम मिलाने हैं फर्स्ट और सेकंड में, एक से ज़्यादा भी मिला सकते हैं। अपर जॉ क्या होता है? इमूवेबल, मूव नहीं किया जा सकता अपर जॉ को, तो वो फिक्स जॉइंट से जॉइंट होता है और इमूवेबल होता है, तो अपर जॉ को मिलाएंगे सेक्शन डी से इमूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट है फिश, फिश का टू हो जाएंगे, टू स्टेटमेंट है फिश के लिए। फर्स्ट है ए, हैव ऑन अ बॉडी फिन, उसकी बॉडी के ऊपर फिन होते हैं। और नेक्स्ट है जी, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो फिश के लिए दोनों है। रिब्स, रिब्स के लिए ई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट द हार्ट, रिब हमारे हर्ट को प्रोटेक्ट करती है। स्नेल बहुत स्लो चलता है भाई, स्नेल एफ हो जाएगा, शोज वेरी स्लो मूवमेंट। कॉकरोच के लिए भी टू स्टेटमेंट्स बचे हैं, हैज आउटर स्केलेटन, कॉकरोच में आउटर स्केलेटन भी होता है और वो फ्लाई इन एयर, एयर्स में उड़ भी सकते हैं, तो कॉकरोच के लिए भी टू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? अ राउंडेड एंडेड ऑफ वन बोन फिट इनटू द होलो स्पेस ऑफ अदर बोन, एक राउंड एंड वाली बोन दूसरी होलो स्पेस वाली बोन में फिट होती है, दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है हमारे हिप और शोल्डर की बोन्स में पाया जाता है, क्योंकि ये बोन फ्रीली सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जो कि सिर्फ बॉल और सॉकेट जॉइंट में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज
विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल की कौन सी बोन मूवेबल होती है? सिर्फ एक ही बोन मूवेबल होती है स्कल की, लोअर जॉ, जिसे हम बोल खा और पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी एल्बो है जो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकती, पीछे क्यों नहीं मोड़ सकते? आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउड मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि हमारी एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट होता है, तो हिंज जॉइंट के अंदर सिर्फ आगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ही पॉसिबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।